देखिए, जो बंगाल वॉरियर है एक इस बार बिल्कुल नई टीम बन के आई है। सिर्फ दो तीन प्लेयर को छोड़ के अगर देखें तो पूरी टीम यंग है। मनिंदर है, उसमें श्रीकांत है और सिंधे है जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, लेकिन उनके साथ साथ जो यंग प्लेयर हैं बहुत ही अच्छा इस लीग में कर भी रहे हैं, इसीलिए वो अभी जो टेबल में है वो टॉप पे हैं। तो उनके साथ बिल्कुल भी हम हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा करते आए हैं पिछले कुछ मैचेस में, और हर एक दिन और हर एक मैच अलग होता है। तो हम उनके साथ बिल्कुल प्लान के साथ जाएंगे। मनिंदर इस लीग का वन ऑफ द बेस्ट रेडर है, उसके साथ साथ जो नितिन जो नया लड़का आया इस बार बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसके बारे में अच्छी तरह, उसके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में अच्छी तरह बातचीत करके और होमवर्क करके अच्छी तरह जाएंगे और मैच अच्छा रिजल्ट रहेगा मैच का। देखिए, डिफेंस में हमारा जैसे अभी कुछ मैचेस में आंसू नहीं खेल पाया, तो लेकिन उसकी जो कमी नितिन ने पूरी की है, लेकिन फिर भी एक ज़रूरी होता है और वो अभी हमारा आंसू जो है अभी फिट है, तो हमारा जो कुछ मैचेस में बहुत ही अच्छा डिफेंस ने किया, लेकिन कहीं कहीं जो मिस्टेक हुई हैं हम कोशिश करेंगे दोबारा वो ना हो और बिल्कुल उसकी तैयारी करके आएंगे। सिर्फ जो मनिंदर है उस पर नितेश के ही नहीं, पूरी टीम को वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ हेड टू हेड ऐसे नहीं चल सकता, प्लेयर टू प्लेयर, पूरी टीम और जो मनिंदर को रोकना होगा वो पूरी टीम को कंट्रोल करना होगा, और उसमें सभी का रोल रहेगा। सिर्फ नितेश की भी तभी कैच होंगे जब दूसरे सपोर्ट करेंगे, वो चाहे लेफ्ट कॉर्नर हो, चाहे राइट कवर हो या लेफ्ट कवर हो, और दूसरे भी जो प्लेयर हैं जो उनका सभी का उसमें साथ जरूरी होगा, तभी नितेश सक्सेस होगा।